हेलो गाइस, तो आज से हम लोग माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में अपनी सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सर्वाइवल सीरीज में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सर्वाइवल सीरीज की वीडियोस देखने के लिए और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वर्ल्ड को बनाना। तो अपने वर्ल्ड का क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू वर्ल्ड, और अपने वर्ल्ड का गाइस नाम रखने वाले हैं ओपी वर्ल्ड। ओपी बनाएंगे भाई इसे बहुत ज्यादा, तो इसका नाम रखते हैं ओपी वर्ल्ड। एडवांस सेटिंग्स पे जाके शो कोऑर्डिनेट्स कौन करते हैं और क्रिएट कर देते हैं। तो गाइस वर्ल्ड को लोड होने में लगेगा बहुत ज्यादा टाइम, तो मैं आपसे मिलता हूँ वर्ल्ड लोड होने के बाद। 2000 years later. तो गाइस वर्ल्ड लोड हो चुका है और भाई हमें बहुत अच्छा वर्ल्ड मिला है भाई। भाई चेरी बायोम मिली है भाई, बहुत अच्छा वर्ल्ड होता है ये, रेयर होती है गाइस ये बायोम। तो अभी फटाफट से वुड कलेक्ट करते हैं भाई, चेरी हो या कुछ भी हो अपना काम तो भाई वुड कलेक्ट करना। तो 5 वुड कलेक्ट करते हैं, उसके बाद शीप मारते हैं, फिर विलेज फाइंड करते हैं। गाइस इस वीडियो में बस एक ही गोल रहेगा कि विलेज फाइंड करना। तो हमने वुड कट कर लिए और अभी हम लोग फटाफट से बना लेते हैं प्लैंक्स। तो वुड के यहाँ पे रखा और ये बन गए 20 प्लैंक्स। तो इससे क्राफ्टिंग टेबल और स्टिक्स बना लेते हैं, और क्राफ्टिंग टेबल को रखते हैं यहाँ पर। इससे हम लोग बनाते हैं एक्स और पिकेक्स, बस इतने काफी है, बाकी स्टोन से बनाएंगे। तो इसको यहाँ से तोड़ लेते हैं और अभी चलते हैं इन शीप्स को मारने, ताकि रात में हम बेड बना के सो सके, वरना जॉम्बी हमें खा जाएंगे भाई। ये तो चिकन है, ये दी गई दूसरी शीप, तो इसको भी मारते हैं। और एक और चाहिए बस शीप, तो उसके बाद से हमारा बेड बन जाएगा। तो आगे ये रही काफी सारी शीप, दो ही है वैसे, तो इसको मारते हैं। और ये अलग रंग की है, तो गाइस मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे कुछ फ्लावर्स है तो इन्हें तोड़ लेते हैं और इनसे मैं हम डाई बना लेंगे। तो डाई से ही हम सारे वून को एक ही कलर का करके बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने रखा ये, देखो 3 डाई बन गए गाइस। इससे हम इसको पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको ग्रे, लाइट ग्रे में बना लिया। तो इससे अब हम लोग लाइट ग्रे बेड बना सकते हैं। तो यहाँ गए, देखिएगा इस बन गया ना। तो ये आप ऐसे कर सकते हो अगर आपके पास अलग अलग रंग के वूल हैं। तो अभी चलते हैं विलेज फाइंड करने, देखते हैं विलेज मिलता है या फिर नहीं भाई। तो इधर चेक करते हैं एक बार, इधर तो भाई पूरा एकदम नदी टाइप है, और ऊपर चल के देखते हैं, क्या पता ऊपर मिल जाए हमें। तो अभी विलेज फाइंड करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ गाइस। A few moments later. तो गाइस विलेज तो नहीं मिला, तो अभी हम लोग स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई हमें स्टोन एज में अपग्रेड करना है यार, फर्नेस बनाना है। अभी फटाफट से ले आते हैं भाई कुछ स्टोन्स। गाइस 22 स्टोन्स अपने पास हो चुके हैं, तो अभी ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के स्टोन के टूल्स और फर्नेस बनाते हैं। तो ये हम आ चुके हैं ऊपर, और क्राफ्टिंग टेबल को रखते हैं यहाँ पर, और इससे हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले स्टिक्स। स्टिक्स बनाना, बेड नहीं, स्टिक्स, और स्वॉर्ड, फिर पिकेक्स, फिर एक्स और फर्नेस। ये चीजें हम बना लेते हैं जो कि बन गई है। और फर्नेस को रखते हैं यहाँ पर, इसके अंदर हम लोग डालते हैं वुडन पिकेक्स, और यहाँ पे ऊपर डालते हैं मटन, और यहाँ पे ये एक्स भी डाल देते हैं, वुडन एक्स, क्योंकि भाई इसका यूज है ही नहीं, अब स्टोन के बन गए तो वैसे कौन लेगा। तो अभी इसे खा भी लेते हैं और ये रख लेते हैं। तो अभी इसे स्मेल्ट होने देते हैं। वैसे इतना काफी है, बाकी हमारे पास वुड नहीं बचा, तो अभी इसे तोड़ते हैं और चलते हैं विलेज की तलाश में।
इसको यहाँ से तोड़ते हैं और अब मैं आप लोगों को मिलूंगा सीधा विलेज फाइंड करने के बाद। तो गाइस विलेज तो नहीं मिला अभी तक और यहाँ पे रात हो चुकी है, तो फटाफट से सो जाते हैं। और ये अपने सर्वाइवल सीरीज की फर्स्ट नाइट हमने निकाल ली है, तो अभी यार दोबारा से स्टार्ट करते हैं विलेज को खोजना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस फाइनली हमें विलेज मिल चुका है भाई, बहुत ज्यादा खोजने के बाद मिला है गाइस। वीडियो भी भाई काफी ज्यादा लंबी हो रही है। तो गाइस ये मिल चुका है हमें यहाँ पे विलेज, फटाफट से चलते हैं गाइस। फाइनली अपना गोल कंप्लीट हो गया भाई। इसी बात पे लाइक कर दीजिएगा गाइस और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और सर्वाइवल सीरीज और गेम प्ले वीडियोस आती रहेंगी भाई। वैसे बहुत ज्यादा लेट हो गई थी गाइस माइनक्राफ्ट की वीडियो पर, सॉरी उसके लिए, पर अब से जल्दी जल्दी आएंगी वीडियोस। तो इसके घर में चेस्ट नहीं है भाई, मेरे को मेनली खाना चाहिए, इसके भी घर में नहीं है। तो आगे क्रूइन पोर्टल है, पर उससे पहले ये अपने आप कैसे गिर गया विलेजर ऊपर से। तो इसके घर में हम लोग चेक कर लेते हैं इसकी चेस्ट है। तो फाइनली मेरे को किसी चेस्ट में ब्रेड मिल गया भाई, यहाँ पे किसी के पास चेस्ट ही नहीं है। तो आगे क्रूइन पोर्टल दिखा था, तो उसके चेस्ट में चेक करते हैं क्या है, क्या पता भाई गोल्डन एप्पल निकला या एनचेंटेड गोल्डन एप्पल। वो संभल के आगे लावा भी है भाई, तो मेरे पास एक ही डर्ट है, तो मैं जंप करके जाता हूँ। अभी बच गया भाई, वरना मैं सीधा जाता हूँ लावा में भाई। इसके चेस्ट में देखते हैं, तो यहाँ पे हमें मिला है शवल गोल्ड का और गोल्ड की चेस्ट प्लेट, और यहाँ से फ्लिंट एंड स्टील। ठीक है भाई, ऐसी लूट मिलती है यार पता नहीं क्यों। तो अभी चलते हैं माइनिंग करने चलते हैं गाइस, आयरन माइनिंग करने चलते हैं। तो नीचे मुझे कोल दिखा था, तो वहां पे चल के कोल ले लेते हैं। यहाँ पे पानी इतना ज्यादा कहाँ से आया, तो गाइस आपको दिख गया होगा ये रहा कोल। इसको फटाफट से कलेक्ट करते हैं और टॉर्चेस बनाते हैं और चलते हैं माइनिंग करने आयरन की। तो गाइज हमें इतना ही कोल मिला बस, तो अभी हम लोग चलते हैं माइनिंग करने। तो हमारे पास गाइज वुड ही नहीं है, हमें वुड कलेक्ट करना होगा क्योंकि हमें टूल्स बनाने हैं गाइज कुछ, सिर्फ एक पिकेक से कुछ नहीं होगा। तो वुड ये रहा, इसके घर से ले लेते हैं गाइज, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपना ही विलेज समझो गाइज, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वैसे भी इसको कुछ होगा थोड़ी, इसका घर तो लॉक ही है, हम कैसे निकाल भी लेंगे तब भी। तो अपने पास प्लैंक्स बना लेते हैं वुड से, और इससे बनाते हैं स्टिक्स, और इससे कितने पिकेक्स बन सकते हैं उतने बनाते हैं, दो बन सकते हैं गाइस तो दो ही बना लेते हैं। तो अब हम लोग फर्नेस पे कुछ खाना कुक कर लेते हैं। तो ये लिए हमने फर्नेस और इसको रखते हैं यहाँ पर, इसके अंदर डालते हैं भाई रॉ मटन, कोल नहीं इसके अंदर गाइस, सोचो ओक प्लैंक्स डाल और यहाँ पे ऊपर मटन। तो अब ये स्मेल्ट होएगा, उसके बाद से थोड़ा सा मिलेगा, उसके बाद चलते हैं माइनिंग पे गाइस, देखते हैं भाई कितना आयरन माइनिंग करके लाते हैं। और नहीं गाइस आयरन गोलम को मारेंगे, यहाँ पे एक रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देते हैं ताकि अगर हम मर जाएं तो यहाँ पे आ जाएंगे दोबारा। ज़ॉम्बी भाई मार देते हैं ना, और क्रीपर स्केलेटन, कोई नहीं गाइस हम भी आर्मर बना लेंगे फिर तो कोई नहीं मार पाएगा। तो अभी टॉर्चेस बना लेते हैं कुछ, ये गाइस तो 40 टॉर्चेस बन गई है जो कि बहुत है, और इससे फूड ले लेते हैं तो बहुत है 5 भी। अब चलते हैं माइनिंग करने। तो ये हाथ में फूल कहाँ से आ गया, इसको रखते हैं और माइनस नहीं प्लस 20 हाइट पे चलते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा आयरन होते हैं, तो अभी चलते हैं वहां पर। गाइस बैड लक, यहाँ पर तो पानी आ गया, अब हम लोग कैसे माइनिंग करेंगे भाई, नहीं कर सकते। तो गाइस ऊपर जाना पड़ेगा दोबारा,
कोई नहीं गाइस, हम नेक्स्ट एपिसोड में आयरन की माइनिंग करेंगे। वैसे भी एपिसोड बहुत ज्यादा लंबा हो गया है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम पक्का आयरन के आर्मर्स एंड सभी टूल्स बनाएंगे। अभी तब तक आयरन गोलम को कूटते हैं। और ये कि मकड़ी दिन में कहां से आ गई यहां पर? ओ मकड़ी निकल यहां से, निकल निकल अपनी आंख दे। हाँ तो इस आयरन गोलम को मारते हैं और थोड़ा बहुत आयरन कलेक्ट करते हैं, देखते हैं इससे कितने आयरन मिलते हैं। तो ये मारा नहीं लगा भाई, थोड़ा सा डर लग रहा है कहीं मार ना दे। तो ये मारते हैं फटाफट से, भागो भागो भागो। यहाँ पे लगाते हैं स्टोन और चार हाइट पे चलते हैं। हाँ अभी हमें छू भी नहीं पाएगा गाइस। यहाँ पे बैठते हैं और आराम से इसको धोना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये मर चुका है, अभी हम चलते हैं नीचे। तो इसने हमें पांच आयरन दिए हैं गाइस। तो इस पांच आयरन से हम लोग बना लेते हैं एक तो शील्ड, तो उसके लिए वुड ही नहीं है। तो कोई नहीं भाई, इसी अपने भाई का घर तोड़ते हैं, क्योंकि अब इसी का घर है सबसे पास में। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको क्या हो जाएगा, इसका घर तो तब भी सही लग रहा है। तो इससे हम लोग बनाते हैं प्लैंक्स और इस प्लैंक से थोड़ी स्टिक्स भी बना लेते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले बनाएंगे शील्ड। शील्ड बनाने की रेसिपी देख लो भाई लोग जिन्हें नहीं आती, वैसे बहुत आसान होता है। बस आपको ऊपर यू बनाना होता है और नीचे एक बीच में रखना होता है प्लैंक्स। तो ये बन गया हमारा शील्ड। अब हम लोग बना लेते हैं एक आयरन की पिकैक्स। तो इसके लिए ये क्या हो रहा है, इसे यहाँ पे रखते हैं, ऊपर तीन और नीचे दो स्टिक्स बीच में। तो ये बन गया और एक बचा गाइस आयरन। तो एक से तो शॉवल बनाने का फायदा नहीं है गाइस, तो इसे रख लेते हैं भाई, स्वॉर्ड तो बनेगी नहीं, इसको स्टोर कर लेते हैं गाइस। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जाएंगे भाई आयरन की माइनिंग करने। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा लगा आप लोग को कमेंट में बताना मुझे कि एपिसोड कैसा लगा। बाकी जो लोग भी नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।